हिमाचल की गृहिणियों का धुआं मुक्त बनाने के लिए हिमाचल सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। सोलन में भी विपुल गैस एजेंसी में गृहिणी सुविधा योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। हिमाचल की गृहिणियों को धुआं मुक्त बनाने के लिए हिमाचल सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। सोलन में भी विपुल गैस एजेंसी में गृहिणी सुविधा योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की, जहां जिले भर से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया और उन्हें निशुल्क गैस के कनेक्शन वितरित किए गए। इस मौके पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि सोलन में गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को 100 गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में उन्हें 15,560 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 10,535 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुछ आवेदन ऐसे हैं जिनके घरों में पहले से ही गैस के कनेक्शन थे, उनके आवेदन रद्द कर दिए हैं और इसे 20 तारीख से पहले सभी आवेदनकर्ताओं को ये कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर तक हिमाचल की महिलाओं को धुआं रहित बनाने का लक्ष्य लिया है, लेकिन सोलन में ये लक्ष्य 20 दिसंबर तक ही धुआं रहित हो जाएगा। गृहिणी सुविधा योजना के तहत विपुल गैस एजेंसी सोलन के माध्यम से 100 लोगों को, 100 माताओं बहनों को फ्री गैस के कनेक्शन बांटे गए और मैं बधाई देना चाहता हूँ विपुल गैस एजेंसी को भी और साथ में खाद्य आपूर्ति विभाग को। हमारे जिला में 15,560 ऐसी एप्लीकेशन आई थी और जिनमें से 10,535 लोगों को कनेक्शन ऑलरेडी दे दिए गए हैं और बाकी जो इसमें रिजेक्टेड एप्लीकेशन हैं 2,225 जो जिनके पास ऑलरेडी गैस का कनेक्शन है या किसी कारण से वो एलिजिबल नहीं हैं। इसके मुताबिक 2,800 गैस के कनेक्शन जो अभी देने बाकी हैं, तो DFSC से बात करने के उपरांत उन्होंने बताया है कि हम 20 तारीख तक का जो सोलन जिला का टारगेट है, ये बाकी के जो पेंडिंग 2,800 गैस के कनेक्शन हैं इनको हम वितरित कर देंगे। आज यहाँ पर जो गैस फ्री गैस वितरण का जो आयोजन किया गया, इसमें मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उन माताओं बहनों के घर को धुआं के रहित बनाया है। और आज मैं देख रहा था एक बिल्कुल एहसान मंद होके सारे जो माताएं बहनें थी वो गैस के कनेक्शन यहाँ पे ले रही थी, आभार प्रकट कर रही थी। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश जो 31 दिसंबर तक धुआं रहित प्रदेश, देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है, इसके लिए मैं सोलन जिला को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने 31 दिसंबर से पहले ही 20 दिसंबर तक ही अपना सारा 100% टारगेट अचीव करने का लक्ष्य प्राप्त आप करने जा रहे हैं। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।